और कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो गैया के पीछे बछरुआ क्यों लगा हुआ है? जब दूधवे नहीं पीना है, लालच नहीं है। बिहार में मुकेश सहनी का एक बड़ा जनाधार है, माझी जी भी अपने जनाधार को लेकर काफ़ी सुनिश्चित है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले आईपी गुप्ता बिहार की राजनीति में उन्होंने भी कदम रखा और अपने समाज को लेकर वो भी उतरे, एक बड़ा भीड़ जुटाया पटना में उन्होंने, और साथ साथ ये दावा कर दिया कि भाई हमारे समाज को आरक्षण तो मिला लेकिन हमारे समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। जिस तरह से भारतीय जन परिवार पार्टी का कदर इज्जत भाव है, देखिए मन द्वेष कब होता है कि जब इज्जत प्रतिष्ठा न मिले, कदर न मिले। मान लीजिए कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी से भरपूर, जब से हम लोग साथ में हैं, भरपूर कदर मिल रहा है और हम लोग को तैयारी चल रहा है 3 सीट पर जी, बक्सर, दरभंगा, झंझारपुर। ये 3 सीटों की तैयारी आप अपने लिए कर रहे हैं या एनडीए के लिए कर रहे हैं? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 25 तारीख बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ 23 तारीख को विपक्ष की एक बड़ी बैठक होनी है, वहीं 25 तारीख को बिहार के 2 बड़े दल ये फैसला लेने वाले हैं कि वो किस गठबंधन में जाएंगे, आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी और कैसे 2024 के चुनाव को लड़ा जाएगा। जहाँ एक तरफ मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो गठबंधन का ऐलान करेंगे, वहीं जीतनराम मांझी के बारे में खबर आ रही है कि वो भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, खासतौर पे सीटों का जो डिमांड्स दोनों पार्टियों ने रखा है। जहाँ खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने लगभग 12-13 सीटें मांगी हैं भाजपा से गठबंधन में आने को लेकर, वहीं महागठबंधन में रहने को लेकर मांझी ने 5 सीटों की डिमांड कर दी है। निश्चित तौर पर कुछ उखाड़ कबाड़ तो जरूर होगा, लेकिन बिहार में केवल यही 2 दल आंदोलित नहीं है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, यहाँ तक कि भारतीय जन परिवार पार्टी और पृथ्वी माली जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार एनडीए में जाने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से पृथ्वी माली पूरे देश भर में वो भी घूमे नीतीश कुमार की तरह, एनडीए के बिहार के जो सहयोगी हैं उनसे लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए को उनमा बढ़े। और जो समानांतर चल रही है महागठबंधन, 7 दलों की जो गठबंधन, उसके सामने एनडीए मजबूत हो। हमारे साथ इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जन परिवार पार्टी के प्रवक्ता संतोष यादव जी मौजूद है। स्वागत संतोष जी। स्वागत। आपकी पार्टी लगातार एनडीए के संयोजन में तो लगी हुई है, लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, जहां आप बिना शर्त के एनडीए में हैं, वहीं कई दल हैं जो शर्त रख रहे हैं कि अगर मुझे रखना है, हमारी पार्टी को रखना, तो 13 सीट देना होगा। मांझी जी ने महागठबंधन जरूर कहा, लेकिन वो शर्त तो एनडीए पर भी लागू होती है कि 5 सीटें उन्हें चाहिए। चिराग पासवान एक तरफ हाजीपुर की सीट मांगते हैं तो वहीं कहते हैं कि 6 सीट तो हमें चाहिए चाहिए, जो पहले से रामविलास पासवान को मिला हुआ था। पशुपति पारस का भी सर्टन डिमांड है। आपकी पार्टी का डिमांड क्या है? क्या आप सच में बिना शर्त के हैं या आप भी 2024 में उम्मीदवारी कहीं से कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जन परिवार पार्टी, माननीय पृथ्वी कुमार माली राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर दिल्ली में जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं जी, और जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी भारतीय जन परिवार पार्टी जमीनी स्तर पर आपको ऐसे तो 40 सीटों में सीटों पर तैयारी है। चूँकि देखिए होता क्या है कि किसी भी दल में अगर आप गठबंधन में हैं तो प्रभाव आपको 40 सीट पर ही देना पड़ेगा जी। और हम लोग को तैयारी चल रहा है 3 सीट पर जी, बक्सर, दरभंगा, झंझारपुर। ये 3 सीटों की तैयारी आप अपने लिए कर रहे हैं या एनडीए के लिए कर रहे हैं? देखिए, 3 सीट का ये तैयारी भारतीय जन परिवार पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे सुप्रीमो पृथ्वी कुमार माली के नेतृत्व में कहा गया है कि 3 सीटों पर जमीनी स्तर पर तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही इन 3 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
एक खबर तो मुझे ये भी आई है कि बिहार में लगभग 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं, यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाइएगा, एनडीए के समायोजन के साथ साथ एनडीए को मजबूत करने के लिए कुछ रणनीति बनाया गया। जी अभी देखिए हम लोग 23 तारीख के बाद जी पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और अपने पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए 23 तारीख के बाद हम लोग पूरे बिहार में जनसभा भ्रमण जनसंपर्क शुरू करेंगे। बिहार में मुकेश सहनी का एक बड़ा जनाधार है, माझी जी भी अपने जनाधार को लेकर काफ़ी सुनिश्चित है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले आईपी गुप्ता बिहार की राजनीति में उन्होंने भी कदम रखा और अपने समाज को लेकर वो भी उतरे, एक बड़ा भीड़ जुटाया पटना में उन्होंने और साथ साथ ये दावा कर दिया कि भाई हमारे समाज को आरक्षण तो मिला लेकिन हमारे समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, सदन में कोई नहीं है। आपके समाज के साथ भी यही है, उन्हें अब तक सदन में जगह नहीं मिली है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए इसके लिए वही तैयारी बोले ना कि 23 के बाद हम लोग पूरे बिहार में जनसंपर्क शुरू करेंगे और ये तो एनडीए जान रही है जी, बखूबी जान रही है कि हमारे समाज का माली समाज का एक भी सदन में नेता नहीं है जी, और इसी को भरोसा के साथ हमको रखा गया है, भारतीय जन परिवार पार्टी को रखा गया है एनडीए में कि आगे आपको सदन में भेजा जाएगा। और हम लोग का देखिए तैयारी है, माली समाज तो है ही, माली के बाद जो उपजाति है कुशवाहा, आप देखे होंगे कि विराट सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भारतीय जन परिवार पार्टी ने। और हम लोग शुरू में पश्चिमी चंपारण से जिस तरह से आंदोलन शुरू किए थे बापू महात्मा गांधी जी, हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे और पूरे बिहार में माली और कुशवाहा, और हम लोग का तो मेन राजनीति पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित महादलित पर फोकस रहे। ये बार बार जो बिहार की राजनीति में खासतौर पे वो दल जो एनडीए में अभी नहीं है आने की गुंजाइश जिनकी है वो बार बार ये बात कहते हैं, उनकी बार बार मुलाकातें होती हैं शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से, भाजपा के खबरें आती हैं कि सीटों को लेकर उनकी डिमांड्स काफ़ी मुखरता से रही है, नहीं मिलेगा तो दूसरे जगह गठबंधन कर लेंगे, ऐसी कोई बात है क्या बिहार में और किसी दल या गठबंधन में आपकी कोई संभावना बन रही है? देखिए अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लोग, जिस तरह से भारतीय जन परिवार पार्टी का कदर इज्जत भाव है, देखिए मन द्वेष कब होता है कि जब इज्जत प्रतिष्ठा न मिले, कदर न मिले। मान लीजिए कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी से भरपूर, जब से हम लोग साथ में हैं, भरपूर कदर मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है जी। और ये रह गई बात दूसरे गठबंधन में या किसी दूसरे दल के, तो वो तो सोचा जाता है कब कि जब मान सम्मान में आपका कमी होगा, रिश्ते में खटास आएगी जी, तभी सोचा जा सकता है। अभी तो इस तरह का कोई बात है नहीं, और आगे की बात क्या है कि अगर खटास नहीं पैदा होता है तो कहीं नहीं जाने का सवाल ही नहीं होता है। नीतीश कुमार को लेकर कल एक बड़ा बयान आया है, ललन सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी इस पीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। वहीं लालू यादव के जन्मदिन के दिन जब केक कट रहा था तो एक नारा लगा कि बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं गए। देखिए महागठबंधन में क्या है, आप सुने होंगे कि एक अनार 100 बीमार। नहीं बाद में इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, दर्शकों को बता दूँ, आपको बता दूँ, क्या कि बार बार जब भी ये चर्चा आपकी होती है तो आपको नीतीश कुमार का भाई कहा जाता है। नीतीश कुमार का भाई इसलिए कहा, देखिए बात ऐसा है कि जब उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है जी, तो पूरे देश में हर प्रदेश
में जा करके दरवाजा खटखटाते चल रहे हैं जी। माने एक होता है ना एप्लीकेशन देते चल रहे हैं जी कि आप मेरे साथ आ जाइए। भूख नहीं लगा तो मेनू का देख रहे हैं। हाँ, भूख नहीं लगा हुआ है तो मेनू क्यों देख रहे हैं जी। तो ये सब जो बातें हैं बिना इच्छा के पूरे देश भर मन वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इधर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो गैया के पीछे बछरुआ क्यों लगा हुआ है? जब दूध में नहीं पीना है, लालच नहीं है, आप लोग तो भली भांति समझते हैं, जब लालच नहीं है तो पीछे पीछे आप वो एक भर कूद रहे हैं तो तेजस्वी जी कूदवा रहे हैं चार भर कि चलिए ना फलाना नहीं मानेंगे तो दोबारा चले, कैसे नहीं मानेंगे मनाया जाएगा। तो दोनों देखिए, इधर नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी और इधर तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में लगे। तेजस्वी जी का कल नारा लग गया कि सीएम कैसा हो आप, नीतीश जी नहीं पहुंचे, इसमें क्या कहना है आप लोग? बोले नहीं कि देखिए दोनों आदमी का डगर जो है अलग अलग है लेकिन दिखावा है एक साथ का जी। बेमेल जोड़ी है, बेमेल जोड़ी है। नीतीश कुमार को स्वार्थ है कि मुझे प्रधानमंत्री बन जाना है और नीतीश कुमार को ये जोर दे रहे हैं कि टेल टाल के किसी तरह इनको दिल्ली भेज दें कि इधर हम हथिया लें। तो ये बेमेल जोड़ी आप देखिएगा 2024 से पहले ध्वस्त हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक है आपके समाज का भी, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी आपके माध्यम से वो वोट बैंक चित्राने की कोशिश भाजपा कर रही है। ये मुझे बताइए कि नीतीश कुमार के बारे में ये भी खबर आ रही है कि अगर सब तैयारियाँ ठीक नहीं हुई तो वापस आ जाएंगे एनडीए में, यदि वो आ जाएंगे तो आप लोगों की संभावना तो समाप्त हो जाएंगी। तो अभी हमने पहले ही कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी, एक बात और समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में संतुष्ट हो लीजिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि अगर आप उसके साथ गद्दारी नहीं कीजिएगा, इतिहास उठा कर देख लीजिए, अगर आप उसके साथ गद्दारी नहीं कीजिएगा तो आपके साथ भारतीय जनता पार्टी गद्दारी नहीं करेगा। जैसे आप बिहार में कुछ लोग हैं, एक दल है कि जमीन से लेकर आसमान पर बिठा दिया और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहते हुए और दूसरे प्रदेश में जाकर मोर्चा खोल लिया जी। मोर्चा खोल लिया, उनके साथ क्या हुआ और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत किया जी। पहले ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी इतिहास रहा है कि जब तक आप उसके साथ गलत नहीं कीजिएगा तो ये संतुष्ट रहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर चार रोटी है, अगर चार आदमी से पांच आदमी हो गया आ गया तो उसमें टुकड़ा टुकड़ा करके बराबर हिस्सा दे देगा लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। संतोष यादव जी भारतीय जन परिवार पार्टी के प्रवक्ता हैं, बात इन्होंने अपनी बेबाकी से रखी। एक बहुत मज़ेदार बात भी इन्होंने इसी तरह से इशारे सारे में समझा दी कि भले ही ये नीतीश कुमार के छोटे भाई हैं लेकिन फिलहाल बीजेपी की छोटी भाई बन गई है। जिस तरीके से ये भाषा बोल रहे हैं, जिस तरीके से ये भाजपा का बचाव कर रहे हैं, भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को प्रॉक्सी पार्टी कहा जा सकता है। लगातार एनडीए के समायोजन में घूम रहे हैं पृथ्वी माली, अभी भी खबर आई है कि मुंबई में मौजूद हैं और भाजपा के शीर्ष नेताओं से वहाँ भी मुलाकात कर रहे हैं। क्या तैयारियाँ हैं वो आने वाले समय में समझ में आएंगी। डिमांड्स को लेकर अब तक तो बहुत चुप थे लेकिन धीरे से इन्होंने कह दिया कि तीन सीट पर तैयारी कर रहे हैं, यानी तीन सीट पर दावा इन्होंने आज ठोक दिया है। अब भाजपा इस खबर को कैसे लेती है ये मजेदार होगा देखना। बने रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरें जारी रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।